जैसा कि हमारे साथ हैं पूर्व मंत्री राजेंद्र शुक्ल जी, उनसे जाने के प्रयास करी थे कि भैया यह जो रीवा मां जो कैदी दुई कैदी संक्रमित कैदी के संजय गांधी मेडिकल कॉलेज में नियापा गया है उनके उपचार खीते का कहा यह मामला का लेके कहे कि सोशल मीडिया में कौन कौन जनता उग्र हो रही है और ये बात की का कहा बकना है यह पूरे मामले। हम व्यक्तिगत रूप से एक पक्ष में नहीं आए जी कि रीवा विंध जो अभी अछूता रहा है वहाँ जो मेरे के मरीजन का लियाबा जाए जो जेल में थे और फिर वो कोरोना के पॉजिटिव पाए गए हैं, हमारे मुख्यमंत्री जी से बात हुए है और रीवा मेडिकल कॉलेज में कौन मेरे के मरीजन का लावा जाते है ऊपर एक गाइडलाइन है जी। वो गाइडलाइन के फॉलो भा है कि नहीं भा है एक परीक्षण हो रहा है और कोरोना रास्ता निकालने की कोशिश हो रही। जैसा कि बात की जाए मंत्री जी की मतलब यह जब सतना माँ ये कैदिन का ले आवागा और कहा न कहा जेलर की एक बड़ी जिम्मेदारी होती कि कैदिन का यदि लेक है तो उनका जांच की जाए फिर कैदिन का रखा जाए, किंतु यह कहा न कहा एक प्रशासनों की एक भूमिका संदिग्ध दिखा लगी कि पहले तो एक सबके गहराई से जब जांच हुई तो वास्तविकता सामने आई और यदि कहा लापरवाही है तो फिर आवश्यक कार्रवाई हुई। मतलब यदि यह कहा जाए कि आज यदि माहौल के बात की जाए पूरे विंध के विंध में यह बात के बहुत विरोध हो रहा है कि इंदौर के लोगन का इंदौर के कैदिन का यहाँ संजय गांधी रीवा ले आवागा, तब मतलब कहो न कहो एक क्षेत्रवाद की राजनीति के शुरू होला, कहो न कहो विरोधी मतलब अपना के अपोजिशन जो है कांग्रेस पार्टी के लोग एक विरोध कर रहे हैं कि सरकार और शिवराज सिंह जो है जबरदस्ती कोरोना फैलावे का रीवा में यह प्लांट की गया है। देखिए विंध में तो जो सरकार और प्रशासन और जनता मिलकर काम करी सोकर ये परिणाम रहा कि लॉकडाउन के पूरा ईमानदारी के साथ और पूरे अनुशासन के साथ पालन भा और मरीज कहाँ संक्रमित नहीं मिले और एक वजह से जो ग्रीन जोन में हमारे विंध जा रहा है एक तो यह भ्रम फैलावा जा रहा है कि ये दो मरीज आ जाए से अस्पताल इलाज खातिर या ग्रीन जोन से बाहर हो जाए जी। तो हम अपना के माध्यम से यह स्पष्ट करे चाहिए मुख्यमंत्री जी से एक संबंध में बात है कि कोनो मरीज यदि बाहर से लाके कोनो एरिया में रखे गए जी तो क्योंकि बंद गाड़ी में आवा था और अस्पताल के बंद कमरा में उनका आइसोलेशन में रखा जाता है जी। तो उसे ग्रीन जोन के जो स्टेटस है रीवा के वो में कोनो असर न पड़े, ग्रीन जोन के स्टेटस यथापत वह में रही यदि स्थानीय स्तर पर कोनो मरीज संक्रमित नहीं पाए जाता है। और दूसर जहाँ तक इनकर यहाँ लावे के सवाल है वहाँ मुख्यमंत्री जी से बात भय है कि रीवा के और बिंद के लोगों के मेरे के भावना है और एमा शाम के फिर उनसे बात हुई कल जब ये मेरे के निर्णय होता रहा कि पहले हम बताए रहे कोनो एक रास्ता निकली या बिंद के लोगों ने भरोसा दिलाया। एमपी संदेश न्यूज 24 की ओर से अपना का अपील करे चाहे पूरे विंध्यवासियों से अपील चाहिए थे कि बिल्कुल कोनो भ्रम में लोग न पड़ा, लॉकडाउन के जो अनुशासन है ऊपर पालन करते रहा, घर में रहें अपना हाथ धोते रहें। अब हम लोग बिल्कुल यदि हफ्ता 10 दिन और संयम बरत ले तो कोरोना पर अंतिम जीत हम लोग दर्ज कर ले। यह महामारी के इलाज के कौन तरीका है हम गर्म पानी पियत रही घरे में रही और हाथ धोवत रही और कोनो कीमत पर घर से बाहर न जी कोनो बहुत जरूरी काम है तो बात अलग है एकर पालन करी न कि हम कोनो भ्रम में पड़ के और अपने मन का डाइवर्ट करी। यदि कोनो मरीज आवा है तो वो बंद गाड़ी में आके और अस्पताल के बंद कमरे में चला गया है और जो डॉक्टर और स्वास्थ्य कर्मी देखने वाले हैं वो सब पीपीई किट वगैरह से लैस हैं, तमाम तरह की वहाँ सुरक्षा की व्यवस्था है, ट्रेन धाम का ट्रेनिंग दी गए है तो वो अपन सुरक्षा हमारे डॉक्टरों से बात रहे है वो लोग कह रहे हैं कोनो मेरे के यहाँ दिक्कत नहीं है और जब तक वो मरीज यहाँ रहेगा हम लोगों को कोई तकलीफ नहीं है कोई परेशानी नहीं, हम लोगों की पर्याप्त ट्रेनिंग है, पुलिस चारों ओर लगी हुई है तो कोई भी परिंदा न तो वहाँ प्रवेश कर सकता है न अंदर का कोई वायरस बाहर आ सकता है तो इसे जनता को कोई खतरा नहीं है तो वो भयभीत ना हो। जहाँ तक मरीज को लाने का सवाल है मुख्यमंत्री जी से चर्चा हो रही है। जैसा कि यह बात कही जाए कि इंदौर में विंध के एक कोरोना योद्धा कोरोना के से लड़त संक्रमित लोगों के इलाज करत वो बिटिया के स्वर्गवास हो गया और
दूसर ओर यहाँ विंध्य में जो राजनेता है वो यह बात के विरोध कह रहे हैं क्षेत्रवाद का होना कहो हावी हो रहा, तो एक अपना कौन नजरिए से देखी थे एक शॉर्ट एमा बहुत दुखद घटना हुई है जो सिमरिया क्षेत्र की बच्ची जो वहाँ पर नर्सिंग छात्र रही है जी। और वो वहाँ पर अपनी ड्यूटी के दौरान संक्रमण का शिकार हो गई, तो ये हम सबके लिए बड़ा दुख की का विषय था। इस संबंध में भी मुख्यमंत्री जी से चर्चा भय है, जो ये मेरे की ड्यूटी करे जो बीमा और आर्थिक सहायता के प्रावधान है उसके तो अंतर्गत वो परिवार का राहत दिन जाए। मैं क्षेत्रीय विधायक टी टी त्रिपाठी जी मुख्यमंत्री से बात करेगी और यह दुखद है, दुर्भाग्यपूर्ण घटना, सब लोग बहुत दुखी हैं। तो भैया एक आखिरी सवाल छोड़ कर यह है कि जो या एक विरोध के राजनीतिक लोग कह रहे हैं, लोगों का कहो न कहो भ्रम डाल रहे हैं, उनकी की कुछ दो शब्द अपना बोला। इस समय हम सब लोगों का एकजुट होकर कोरोना से लड़ाई का है, ना कि एक दूसरे से लड़ाई का है। राजनीति करे खातिर हम प्रजा के पास मौका बहुत मिली, हमेशा मौका मिला रहा है, लेकिन इस समय तो पूरे देश का एकजुट होकर, क्योंकि पूरी दुनिया के सामने यह एक शत्रु के रूप में खड़ा है। जब इतना बड़ा शत्रु सामने है तो फिर आपस में शत्रुता और विरोध करे के कोई गुंजाइश नहीं बचा। तो हम पचे बड़े शत्रु से लड़ी, बाद में फिर अपन आपसी जो विरोध है उसका फिर देख लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद अपन अमूल्य।